नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ग्रुप टिप्स एंड ट्रिक्स में। कैसे हो आप सब? पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है ना? अब जो बच्चे एक दो तीन तीन दिन का हमारा टाइम टेबल कंप्लीट कर चुके हैं उनको पता होगा आज भाई डे फोर है। डे फोर में हम देखेंगे क्या क्या चीजें कैसे कैसे पढ़नी है। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना? कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे, यही चाहिए भाई। कमेंट करते रहो कि भैया सर आपका टाइम टेबल आज हमने कंप्लीट कर लिया, तो ये मुझे अच्छा लगता है और यही चाहिए। भले ही 50 बच्चे ही करें कोई दिक्कत नहीं है, वो मुझे चाहिए, लेकिन 50 रेगुलर चाहिए, तभी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो रिजल्ट भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए हम बात करें रेलवे ग्रुप डी टारगेट 30 डेज। 30 डेज में पूरे हम सिलेबस का रिविजन करेंगे और मेरा यही था उद्देश्य था कि जो बच्चे 35-40 कर रहे हैं उनको किसी तरीके से 60% तक पहुंचाया जाए। इसकी जिम्मेदारी रीजनिंग ले लेंगे कि रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, तो रीजनिंग आपका अच्छा होगा तो आसानी से पहुंचने लगोगे वहां तक। तरीका तो मैंने बताइए दिया है। चलिए तो डे फोर है, डे फोर में हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना आज आपको। सबसे पहले रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको वेन डायग्राम के क्वेश्चन लगाने। वेन डायग्राम आपने सुना ना, सिंपली है। तो 30 क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम पे रीजनिंग के आज लगाने हैं। वेन डायग्राम 30 क्वेश्चन। इसके अलावा रीजनिंग में और क्या करना है, 30 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर्स के लगाने हैं। 30 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर्स के लगाने हैं, 30 क्वेश्चन वेन डायग्राम के लगाने हैं। ये तो बात हो गई रीजनिंग की। ठीक, ये तो बात हो गई रीजनिंग की। अब बात करें मैथमेटिक्स में, आज सिंपल इंटरेस्ट को लगा लोगे तो एक क्वेश्चन आपका 100% हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है अगर जो, तो आपको उसका रिवीजन करना है। क्या? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का आज आपको रिवीजन करना है, कंप्लीट साधारण ब्याज को। ये मतलब सिंपल है, 1 घंटे का, 1 घंटे में पूरा चैप्टर की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का होगा। ठीक है, आसानी से कर लोगे रिवीजन रेलवे ग्रुप डी के लाए। ठीक, इसके अलावा मैथ का जो हमारा पीडीएफ है, गेस्ट पेपर है भाई, कहाँ मिलेगा आप लोग पूछते हो भाई। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है मैथ के पीडीएफ का, उसको ले लो। ठीक, उस पीडीएफ से क्वेश्चन नंबर 76 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 आपको लगाना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 75 तक कर चुके हो 3 क्लास में। अब यहाँ पे हमारा जो डे फोर में है आपको 76 से 100 तक इसको लगाना है। ये तो आपके रीजनिंग और मैथ की बात हो गई, बस इतना आज आपको करना है। अब हम आते हैं जीके में। जीके में आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको देता हूं जिसमें आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसको आपको पूरा टॉपिक पढ़ना है, कब स्थापना हुआ था, पहले अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, कितने मेंबर होते हैं, कितने लैंग्वेज ऑफिशियली होती है। ठीक है, और इसके कौन कौन से अंग होते हैं, सारी चीजें पढ़ना है। कुछ भी आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब ये टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको हमारे स्टैटिक जीके के नोट में मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नहीं है आपको पास, पीडीएफ नहीं ले पा रहे हो, तो आप कहीं से किसी और बुक से निकाल के आपको यूनाइटेड नेशन का पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है। अब बात करें साइंस का, हमारा पीडीएफ है, वहां से आप प्लवन और पृष्ठ तनाव पढ़ सकते हो। नहीं आपके पास साइंस का पीडीएफ तो लूसेंट से ही पढ़ो, तो लूसेंट में आपका टॉपिक होगा प्लवन और दूसरा होगा पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। तो ये दो टॉपिक आपको साइंस में पढ़ने हैं। इसके अलावा खानसर की बुक है जो मैंने दिखाई थी जिसमें 15-20 साल के पिछले प्रश्न है, इसमें आपको चैप्टर 4 पढ़ना है। चैप्टर 4 रेलवे में पूछे गए प्रश्न आपको पढ़ना है और करंट अफेयर्स के लिए आपको 20 से 25 मिनट देना। हमारे पीडीएफ से पढ़ो या जो बुक मैंने बताया कि रुक्मणी पब्लिकेशन के ले लो, वहां से पढ़ो तो करंट अफेयर्स को आपको 20 से 25 मिनट। करंट अफेयर्स में कुछ बच्चे बोल रहे थे सर टॉपिक दिया करो कौन कौन से टॉपिक पाए, तो इसमें मैं टॉपिक नहीं दूंगा, आप बना लो टाइम टेबल की बुक के हिसाब से जो भी आपके पास बुक है अलग अलग। अगर जो पीडीएफ मेरा होता सबके पास तो दिक्कत ही नहीं होती, तो मैं बता देता ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक, तो बुक की बात करें जो भी बुक है आपसे, आप उसका बना लो टाइम टेबल की 20 से 25 में मुझे करंट अफेयर्स पढ़ना, क्या कैसे पढ़ना है। देखो यार 55 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इसलिए ज्यादा फोकस आप यहीं पे रखो, प्लस साइंस पे आप फोकस रहो। 40 टोटल मिला के आप देखें तो 80 क्वेश्चन आपके साइंस से, रीजनिंग और मैथ से आ रहे हैं। ठीक, तो ये आज आपका टाइम टेबल, आई होप आपने देख लिया होगा, नोट कर लिया होगा, तो इसको भी कंप्लीट करो और कमेंट करके वीडियो के नीचे बताओ सर आज का टाइम टेबल कंप्लीट हो गया और 3rd डे का भी कंप्लीट रहा, आगे 5th डे का भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो चलिए इन सब बातों के साथ हम आपसे आगे चाहेंगे, मिलते हैं अगले में। जय दोस्तों, जय भारत।